हेलो माय डियर स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर अलोक गुप्ता कॉस्टिंग का इस वीडियो में हम लोग कॉस्टिंग का बहुत फंडामेंटल बट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कॉस्ट को क्लासिफाई कैसे किया जाता है या क्या क्या बेसिस किस किस एंगल से क्लासिफाई किया जाता है कॉस्टिंग में कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए कोई प्रोडक्ट का या जॉब का या सर्विस का या प्रोसेस का हम लोग को ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जाने कि ये कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट है वेरिएबल है सेम वेरिएबल है फिक्स्ड है या मेटेरियल के लिए है लेबर के लिए है या फिर दूसरा कोई एक्सपेंस के लिए सो लेट स्टार्ट हम लोग देखते हैं किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है कॉस्ट को क्लासीफिकेशन ऑफ कॉस्ट अलग अलग बेसिस या एंगल से हो सकता है बहुत सारे बेसिस हैं जैसे ट्रेसेबिलिटी है एलिमेंट वाइज है बिहेवियर वाइज है फंक्शन फंक्शन वाइज है और भी है जैसे नॉर्मल ये है या एबनॉर्मल है नॉर्मलिटी के बेसिस में क्लासिफिकेशन होता है कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस में क्लासिफिकेशन होता है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रेसेबिलिटी एंड एलिमेंट वाइज दोनों को मिला के हम लोग डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं और प्राइम कॉस्ट ओवर हेड किसे कहते हैं हम लोग देखेंगे डायरेक्ट मेटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट मेटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं सो डायरेक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं कॉस्ट विच कैन बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ और आइडेंटिफाइड विथ द आउटपुट आर कॉस्ट आर कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट्स। द कॉस्ट्स विच कैन बी कन्वीनियनटली आइडेंटिफाइड विथ और एलोकेटेड टू और एसोसिएटेड विथ द आउटपुट दैट मीन्स द प्रोडक्ट और सर्विस और द ऑपरेशन और द जॉब किसी जॉब के लिए किसी प्रोडक्ट के लिए किसी सर्विस के लिए अगर कोई कॉस्ट किया जाता है अगर वो मैं डायरेक्टली आइडेंटिफाई कन्वीनियंटली कर पा रहा हूं तो वो उसके लिए डायरेक्ट कॉस्ट है जैसे जैसे मान लीजिए एक चेयर बनता है एक चेयर वुडन चेयर बनता है वुडन चेयर के लिए जो वुड लगता है लकड़ी लगता है वो उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल है क्योंकि आप उसमें देख पा रहे हो उसके लिए ही मटेरियल इनकर हुआ है अगर मैं मटेरियल चेयर बनाओ तो मेटेरियल लगेगा नहीं बनाओ तो नहीं लगेगा सो दैट इज डायरेक्ट मेटेरियल उसी के लिए है वो एक मेटेरियल के लिए जितना लग रहा है दो मेटेरियल के लिए डबल लगेगा दो चेयर के लिए डबल वुड लगेगा ये क्लियर है ऑलमोस्ट इसी तरह से जो कारपेंटर का जो वेज दिया जाता है वो कारपेंटर का वेज जो दिया जा रहा है क्योंकि वो डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन और डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द कन्वर्सन और प्रोडक्शन प्रोसेस है उनको जो वेज दिया जाता है उसको कहते हैं डायरेक्ट वेज बिकॉज हिज वेज कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्शन और द प्रोडक्ट और द पर्टिकुलर जॉब तो उसे कहते हैं डायरेक्ट वेच इसी तरह से डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं अगर कोई एक्सपेंस डायरेक्टली वो प्रोडक्ट के लिए हुआ है मैं कह सकता हूँ कि इसी प्रोडक्ट के लिए इसी जॉब के लिए ये एक्सपेंस हुआ है तो दैट विल बी कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे मान लीजिए मैं ये जॉब करने के लिए मुझे कुछ एक जॉब मिला है हंड्रेड पीसेस का मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना देना है उसके लिए मुझे एक डाइस बनाना पड़ा एक पैटर्न या जिसको बोलते हैं जिसके डाइस डाइस में कुछ चीज बनाया जाता है जो dice. या फिर उस काम के लिए मुझे कोई मशीनरी हायर करना पड़ा स्पेशल स्पेशली फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब तो अगर वो इसी जॉब के लिए हुआ है तो मैं उसे बोलूंगा ये डायरेक्ट एक्सपेंस फॉर दिस जॉब और दिस प्रोडक्ट और दिस सर्विस क्लियर सो so, जो कॉस्ट को मैं डायरेक्टली एसोसिएट कर पा रहा हूं किसी ऑपरेशन के लिए प्रोडक्ट के लिए सर्विस के लिए तो उसे मैं कहूँगा उस जॉब के लिए डायरेक्ट कॉस्ट है सो डायरेक्ट मेटरियल प्लस डायरेक्ट वेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस ये तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट इसका और एक भी नाम है प्राइम कॉस्ट टेक्निकल नाम है प्राइम कॉस्ट जो कॉस्ट शीट जिन लोग बनाते हैं वो लोग देखेंगे ये तीनों को मिला के डायरेक्ट कॉस्ट को समेशन ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या है मुख्य भय मुख्य खर्च जो होता है मतलब प्राइम जो ज्यादा पार्ट है मुख्य है तो इसलिए उसे कहते हैं प्राइम कॉस्ट क्योंकि पूरा खर्चा में तो डायरेक्ट कॉस्ट ही ज्यादा होगा एक्सपेक्टेड है डायरेक्ट मेटीरियल डायरेक्ट लेवर डायरेक्ट एक्सपेंसिस प्रोडक्ट का जो होगा वही उसका ज्यादा पार्ट होगा इसलिए उसे प्राइम कॉस्ट कहते हैं क्लियर सो ये कॉस्ट का डायरेक्ट कॉस्ट बोल दिए इनडायरेक्ट कॉस्ट किसे कहेंगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रहा है कुछ कुछ क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट का हम लोग मतलब समझे हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट उसे कहेंगे जो प्रोडक्ट या ऑपरेशन या जॉब के साथ डायरेक्टली एसोसिएट नहीं कर पा रहे दैट मीन्स दोज कॉस्ट विच कैनॉट बी कन्वीनियनटली आइडेंटिफाइड विथ और एसोसिएटेड विथ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस और ऑपरेशन और जॉब दोज कॉल्स आर कॉस्ट्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक फैक्ट्री का जो रेंट लगता है वो रेंट क्या है वो रेंट क्या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लगता है नहीं गेट पे जो गेट कीपर बैठे रहते हैं उनको जो सिक्योरिटी में जो पर्सन बैठे रहते हैं सिक्योरिटी पर्सनल को जो पैसा दिया जाता है जो उनको सैलरी दिया जाता है वो क्या चीज़ है वो कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितना लगता है उनका सैलरी मैं बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊंगा सो दैट एक्सपेंस कैनॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द आउटपुट और एनी पर्टिकुलर जॉब क्योंकि फैक्ट्री में या वर्कशॉप में तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं बहुत सारे काम एक साथ चल रहे हैं तो मैं नहीं बोल सकूंगा उसी तरह से बोल रहा हूँ ऑफिस में जो अकाउंटेंट काम कर रहे हैं उनका सैलरी मेरा इस पर्टिकुलर जॉब में या पर्टिकुलर प्रोडक्ट uh, के लिए क्या डायरेक्टली एसोसिएटेड है नहीं क्योंकि वो इस जॉब में डायरेक्टली वो कन्वर्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये कितना उनके लिए है कितना उनका सैलरी इस जॉब में मैं चार्ज करूँगा सो so, पर सबको बोला जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट मीन्स इनडायरेक्ट मेटेरियल प्लस इनडायरेक्ट वेज और इनडायरेक्ट लेबर सेम टर्म एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस टेकन टुगेदर दिस थ्री टेकन टुगेदर आर कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट क्लियर सो इनडायरेक्ट मेटेरियल का एग्जाम्पल लेते हैं जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल मान लीजिए लुब्रिकेटिंग ऑयल एक मशीनरी चलाने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल लगता है लेकिन मैं नहीं बोल पाऊंगा कि ये मशीन में लुब्रिकेटिंग ऑयल पूरा दिन में थोड़ा सा लगता है डेफिनेटली वो वो मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस में जरूरी है लेकिन ये आउटपुट के साथ कितना लुब्रिकेटिंग ऑयल लगेगा ये डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है ये मैं आउटपुट में देख भी नहीं पा रहा हूँ कि लुब्रिकेटिंग ऑयल कितना है तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट मेटेरियल इनडायरेक्ट वेज जैसे मान लीजिए जो रिपेयर मेंटेनेंस में जो स्टाफ रहते हैं मान लीजिए फैक्ट्री में बहुत सारे लेबरर काम करते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं लेकिन वो मेटेरियल इधर से उधर ले जाने लोडिंग अनलोडिंग ये सब कर रहे हैं तो उन लोग को जो वेज दिया जाता है वो भी ऑपरेशन में जरूरी है करेक्ट बट दे आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द कन्वर्सन ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट सो उन लोग को जो वेज दिया जाएगा उसे कहेंगे इनडायरेक्ट वेज इसी तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंस जैसे मैंने कहा फैक्ट्री रेंट जैसे रिपेयर्स का जो खर्चा आएगा रिपेयर्स का मैं बोल रहा हूँ रिपेयर्स के लिए जो खर्चा आएगा रिपेयर्स के लिए जो वेज देंगे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ रिपेयर्स के लिए जो खर्चा आएगा कैंटीन रिलेटेड जो जो एक्सपेंस आएगा ऑफिस रिलेटेड कुछ कुछ एक्सपेंस आएगा ये सब को इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे क्योंकि वो सब एक्सपेंस मेरा प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है क्लियर सो so,

और अगर अकॉर्डिंग टू एलिमेंट पूछे तो आपको बोलना है मेट्रियल लेबर एक्सपेंस मेट्रियल लेबर एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू एलिमेंट क्लासिफिकेशन अब मेटेयल लेबर एक्सपेंस को भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके हम लोग डिवाइड कर सकते हैं क्लियर सो दैट इज एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन ये है ट्रेसेबिलिटी ट्रेस Trace कर पा रहे हैं कि नहीं उस एक्सपेंस को आउटपुट के साथ सो दैट इज अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी क्लासिफिकेशन क्लियर सो प्राइंग कॉस्ट ओवर एड डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट आई होप ये क्लियर हुआ है क्योंकि कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट बनाने के लिए कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट बनाने के लिए या कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए हम लोग को पहले ये जानना बहुत जरूरी है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंट्रो बिहेवियर वाइज या वेरिएबिलिटी वाइज कैसे कैसे कॉस्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट